हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? चलिए तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 13, व्हाई डू वी फॉल इल, जो है क्लास 9th के लिए। ये कर रहे हैं हम एनसीईआरटी की बुक से, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। चलिए देखते हैं। तो एक्टिविटी क्या है यहाँ पे? वी हैव ऑल हर्ड ऑफ द अर्थक्वेक इन अराथोर, भुज, कश्मीर एटसेट्रा, ऑफ द साइक्लोन दैट लेस सैंड कोस्टल रीजन। थिंक ऑफ एज मैनी डिफरेंट वेज एज पॉसिबल इन विच पीपल्स हेल्थ वुड बी अफेक्टेड बाई सच अ डिजास्टर इफ इट लुक टू प्लेसेस इन आर नेबरहुड। तो हम ये प्लेसेस की बात करें तो इनमें क्या होता है, कई सारे प्लेसेस पे क्या आते रहते हैं, इस तरह के डिजास्टर्स वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं, जहाँ से क्या होता है ह्यूमन लाइफ और साथ साथ ये नेचर भी क्या होता है, अफेक्टेड होता है। हाउ मैनी ऑफ दीज वेज वी कैन थिंक आर इवेंट्स दैट वुड अकर व्हेन द डिजास्टर एक्चुअली हैपनिंग। How many of these health-related events would happen long after the actual disaster, but would still be because of the disaster? And why would one effect on health fall into the first ground, and why would another fall into the second ground? तो चलिए देखते हैं अपने चैप्टर को। तो चैप्टर में क्या है कि when we do all this exercise, जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, we realize that health and disease in human communities are very complex issue. With many interconnected causes, we also realize that the idea of what health and disease mean are themselves very, very complicated. When we ask that causes diseases and how we prevent them, we have to begin by asking that disease notion means. तो क्या है यहाँ पर हम देख रहे हैं, इतनी सारी डिसीजेज जो क्या होती हैं, स्प्रेड होती हैं, तो इन डिसीजेज को कैसे स्प्रेड होते हैं, कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं, कई सारे इस तरह के कॉज होंगे। तो we have seen that cells are the basic unit. Cells are the basic unit of organism. जो और कोई भी organism होता है वो छोटी छोटी cells मिल के बना होता है, और cells are made up of variety of chemical substance like protein, carbohydrates, fats, lipids and so on. इस तरह से protein, carbohydrates, fats and lipids वगैरह इन सारी चीज़ों से बने हुए होते हैं cells. Cells is a dynamic place. Sometimes or the other is always happening. Inside them, complex reactions are repair goes to on inside cells. Now cells are being made in our organ or tissue. Now cells are being made to cells ka hamare organ centers, there are various specialized activities going on. The heart is being, the lungs are breathing, like lungs ka work, breathing, heart ka kya, heart is beating, lungs are breathing and the kidney is filtering urine. एंड द ब्रेन इज थिंकिंग। तो हर ऑर्गन का हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिक फंक्शन होता है। लाइक अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट का मेन फंक्शन क्या है कि हमारे ब्लड को पंप करना। ओके, हार्ट क्या करता है, हार्ट बीट करता है। तो हार्ट बीट करता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी के ऑर्गन से जो भी ब्लड आ रहा है उस ब्लड को क्या करता है, वो पंप करता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है कि कहाँ से आएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स से प्यूरीफाई होगा और प्यूरीफाई होने के बाद वापस फिर से हार्ट में आएगा और हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट्स में क्या होता है, ब्लड वायदा रेस डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स क्या, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन लंग्स में प्रोसेस होता है कि किस तरह से बाहर की ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं और फिर जो हमारा जो हमारी बॉडी में जो CO2 रिलीज होते हैं, उस CO2 को कैसे हमारी लंग्स के थ्रू बाहर निकालते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कंबाइंड प्रोसेस क्या हो जाता है, ब्रीदिंग। ओके, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, लंग्स का काम क्या है, मेनली सांस लेना। एंड द किडनीज इज फिल्टरिंग यूरिन। तो हमारी बॉडी में जो भी इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनको किडनी के थ्रू क्या किया जाता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है, वो क्या करता है, यूरिन को फिल्टर करता है। और ब्रेन जो तो हमारा मेन CPU है, जो क्या करता है, सोचने का काम करता है। तो दिमाग का काम क्या है, सोचना, तो ब्रेन इज थिंकिंग। तो सभी ऑर्गन्स क्या हम देख रहे हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शंस है। दीज ऑल दीज एक्टिविटीज, तो All these activities are interconnected. इतनी जितनी भी activities हो रही हैं, like heart का thing beating करना, lungs का breathing करना, kidneys का filtering, urine का filter करना, brain का thinking, इस तरह से हर एक organ का एक specific functions होता है और ये सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, interconnected होते हैं। For example, if the kidneys are filtering urine, जैसे हम बात करेंगे kidney क्या कर रहे हैं, urine को filter कर रहे हैं। Okay, urine को filter, तो poisonous substance will accumulate, तो हमारी body से क्या होते हैं, poisonous substance कहाँ होते हैं, accumulate होते हैं। Under such conditions, अगर इन conditions में देखें तो brain will not be able to think properly. Okay,
फॉर ऑल दीज इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड। ओके, इनके लिए क्या एनर्जी और रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है? फूड इज अनेसेसरी फॉर ऑल सेल्स, सभी सेल्स के लिए फूड भी नेसेसरी है, एंड टिश्यू को फंक्शनिंग करने के लिए, सेल्स और टिश्यू को फंक्शनिंग करने के लिए, अपना काम करने के लिए फूड तो नेसेसरी है, बिकॉज एनर्जी जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? फूड से ही मिलता है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है? फूड ही तो है। एनीथिंग दैट प्रिवेंट प्रॉपर फंक्शन ऑफ सेल्स, ओके, एंड टिश्यू विल लीड टू लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी इन द बॉडी। तो इन इट इन दिस कॉन्सेप्ट वी विल लुक एट द नोशन ऑफ हेल्थ एंड डिसीज। ओके, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? हेल्थ और डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ एंड इस फीला। ओके, हेल्थ एंड इस फीला, द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं? वी हैव हियर द वर्ड हेल्थ, हमें हेल्थ वर्ड सुना है। ओके, हेल्थ सब भी जानते हैं कि हमारा हेल्थ अच्छा है। ओके, यूज क्वाइट frequently we use in ourselves as well, we say thing like my grandmother health is not good, meri grandmother ka health acha nahi hai, our teachers use it when they say us saying this is not a healthy attitude, this is not a healthy attitude, to matlab wo aapko physically health ki baat nahi kar raha, healthy attitude matlab aapke aapka jo matlab behavior hai uski baat kar rahe hain। What does the word health mean? तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि only physical health नहीं है, यहाँ पे आपका mental health, आपका behavior, सब कुछ किस में include होता है? Health में include होता है। तो आप देखते हैं कि if we think about it, अगर हम health के बारे में सोचें, we realize that it is always implied the idea of being well, okay, being well. तो we can think of this well-being as effective functioning for our grandmother, being able to go out to the market to visit the neighborhood is being well, and not being able to do such things is a poor health. So being interested in following and teaching in classroom so that we can understand the word is called healthy attitude, bird healthy attitude. So while not being interested is called the opposite. अगर आप जो स्टडी कराई जा रहे हो उसमें इंटरेस्ट नहीं, दैट मीन्स इट इज अ हेल्दी एटीट्यूड, एंड आप अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं, दैट इज अपोजिट हो गया। तो हेल्थ इज देयर फॉर अ स्टेज ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शनिंग वेल फिजिकली मेंटली एंड सोशली। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें हेल्थ को, तो हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ देयर फॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शनिंग वेल फिजिकली मेंटली एंड सोशली। तो क्या क्या? फिजिकली भी होना चाहिए आपको फिट, एंड इसके अलावा मेंटली भी आपको होना चाहिए फिट, और इसके अलावा सोशली भी आपको होना चाहिए फिट। अगर ये तीनों चीजें हैं तभी आप क्या हैं? एक हेल्दी पर्सन है। अदरवाइज फिजिकली क्या देख के ओनली नहीं डिसाइड कर सकते कि आप हेल्दी हैं या नहीं है। तो फिजिकली मेंटली एंड सोशली तीनों तरह से आपको ये तीनों ही पार्ट किसमें? हेल्थ में इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, तो ये हुआ हेल्थ वाला पार्ट। अब हम देखते हैं पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यू बोथ मैटर फॉर हेल्थ, कि क्या क्या फैक्टर्स हेल्थ के लिए मैटर करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।